वेलकम दोस्तों, आइए आज हम एक नए टॉपिक में बात करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हाउ टू रिपेयर ए सबमर्सिबल वाटर पंप स्टार्टर। ये हमारे पास एक ख़राब स्टार्टर आया हुआ है, जिसको हम ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो उसी के हिसाब से इसको रिपेयर करेंगे और दिखाएंगे कि क्या हुआ है, उसको रिपेयर भी करेंगे। देखिए इधर तो सब ठीक ठाक लग रहा है, ये कैपेसिटर ख़राब लग रहा है, फट गया है, और इसमें देखिए कुछ तार शॉर्ट हुआ है, यानी कि इसमें भी एक तार गया है, शॉर्ट हुआ है। ये कंट्रैक्ट, ये जो कैपेसिटर गया है, ये है रनिंग का कैपेसिटर है, इसमें दो कैपेसिटर लगते हैं, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का। और ये रनिंग कैपेसिटर है 50 mA का, ये देखिए इसका डिटेल्स दिया हुआ है, रनिंग का 50 mA का कैपेसिटर, स्टार्ट का दिया हुआ है 120 से 150 तक, कॉइल वोल्टेज 150 से 220 तक, और ये 1.5 HP का मोटर है, मैक्सिमम लोड 16 A है। और ये कैपेसिटर देखिए, ये वही वाला रनिंग वाला है, मतलब सॉरी स्टार्टिंग वाला है, ये 120 से 150 mA का कैपेसिटर है, ये ठीक ठाक है। ये कंडक्टर ख़राब हुआ होगा, इसमें ज़्यादातर कॉइल ही ख़राब होता है, कंडक्टर इतने जल्दी ख़राब नहीं होता है, फिर भी खोल के देखते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे हमको सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपको ऐसे नए नए वीडियो के साथ कुछ जानकारी दे सकें। ये हम कंडक्टर को खोल रहे हैं, जो जो टर्मिनल लगा हुआ था उसको खोल दिए अभी, और इसके बाद इसमें चार ठो नट बोल्ट लगा रहता है, इसमें फिलहाल एक ही लगा है कंडक्टर में, इसको खोलते हैं, खोल के इसको निकाल देते हैं। अभी निकालने के बाद इसमें ये देखिए, ये वाला कॉइल है, ये कॉइल कुछ दिन ख़राब होता रहता है, और कॉन्टैक्टर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ये चार ठो नट बोल्ट खोलने से ये कॉइल निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं, ये कॉइल अगर मिल जाएगा मार्केट में तो इसको चेंज कर देंगे, हो जाएगा। आइए इसको खोल के देखते हैं, ये नीचे की तरफ चार ठो स्क्रू दिया होता है बेस में कॉन्टैक्टर का, पहले इसको टेस्ट कर लेंगे ये कॉन्ट्रैक्टर सही है या नहीं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में देते हैं, फिर कंटिन्यूटी टेस्ट करके देखते हैं। इसमें कॉइल का दबा दे तो आ रहा है, कंटिन्यूटी सही है, सॉरी हाँ इसमें नहीं आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर में भी कुछ खराबी है, पर कोई दिक्कत नहीं, ये कंट्रैक्टर सही हो जाएगा, इसको निकाल के थोड़ा वाश वाश कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा, पर हमको ये इसका कोयल मिल जाना चाहिए, अगर कोयल मिल जाएगा तो इसी कंट्रैक्टर में भी काम हो जाएगा। आइए कोयल का आपको दिखाते हैं, और ये इसका बेस निकल गया, फिर हम इसका कॉइल निकालते हैं नीचे से, ये देखिए निकल आया, ये कोर के साथ चिपका हुआ रहता है, इसको ये देखिए, ये 220 से 240 वोल्ट 50 Hz का है, पर डिस्क्रिप्शन में
उसका दिया था कि 150 से 220 तक यह कॉइल ख़राब हो गया है। इस कोर को फिर से रख देते हैं वहीं पे जहाँ था हुआ। ये अभी देखेंगे ये कॉइल मिल जाएगा मार्केट में तो कॉइल लाके लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये स्टार्टर का जो है NONC 2 दिया हुआ है। इसके पास में ये वोल्ट मीटर के लिए है, इसको दबाएंगे तो वोल्ट मीटर उठेगा। और ये ट्रिपिंग का है, वो लोड आएगा तो ये ट्रिप हो जाता है। 16 एम्पियर का लगा हुआ है इसमें, और ये दोनों एमीटर वोल्ट मीटर है। इसको हम निकाल दिए हैं, ये टर्मिनल तो जो जल गया था उसको अभी नया तार डाल के इसको काम कर लेंगे, कनेक्शन दे दें कर लेंगे। इसके बाद हम नया वाला कंट्रैक्टर जो मार्केट से मिला उसी को लगा लेंगे। चलिए ये वाला देखिए, ये 650 रुपये लिया, जुभास का है, जुभास का अच्छा कंट्रैक्टर है। ये टिपकॉन का है, वही जो लगा था पहले उसी का ही, 50 mm का। और ये तार लेके ये जो शर्ट हुआ था उसी को चेंज कर लेंगे पहले, क्योंकि उसको काट के हम निकाल लेते हैं। ये लीजिए निकाल लिए और उसी में ही एक तार डाल दिए वो सर्किट का। ये न्यूट्रल का ही पॉइंट है, इसका पॉइंट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। हमारे पास ये पिन टाइप का सॉकेट नहीं है तो इस तार को ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कनेक्टर जैसा दिया रहता है, टाइट अच्छे से टाइट हो जाता है। इसको निकाल दिए। अभी ये जो शॉर्ट पीस लगेगा ये इसकी कोयल में जाएगा न्यूट्रल, उसके लिए एक तो शॉर्ट पीस रहता है, फसन नीचे गिर जाएगा। ये एक तो शॉर्ट हुआ है, इसको काट के निकलते हैं। ये निकल गया, उसमें एक तो तार डाल देते हैं। पूरा तार निकलेंगे तो ये सर्किट पूरा लूज हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। पहले वाले तार में ये हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। जो शॉर्ट हुआ था उसको निकाल दिए, नए तार डाल दिए और कॉन्ट्रैक्टर को भी सेटिंग कर लिए, उसका कनेक्शन भी कर दिए। तो अभी ये कैपेसिटर निकाले, नए कैपेसिटर डाल देंगे उसी में। ये रनिंग का कैपेसिटर होता है, थोड़ा छील के लगाते हैं। जहाँ पे दो दो तार रहेगा जो जिस टर्मिनल में लगेगा उसको आपस में ट्विस्ट करके लगाएंगे तो उसको निकलने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर एक एक करके उसी में ही डालेंगे तो कभी कभार एक टर्मिनल लूज रह जाता है, इसमें बाद में प्रॉब्लम आता है। और ये लीजिए लगभग कंप्लीट हो गया। अभी इसको
टाइट मार देंगे। ऐसे ये टाइट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट आउटपुट है, ये कैपेसिटर उसके जगह पे हम रख दिए। इसको ट्रायल करते हैं लगा के, मोटर चला के देखते हैं सही हो गया कि नहीं। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, इसको लगा के देखते हैं। अभी देखिए इसमें चालू कर लिए, लोड आ रहा है 10 एम्पीयर के पास, वोल्टेज आ रहा है 200। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे नए वीडियो के लिए, और फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते।